एलएनटी में कुछ अगर अहम लेवल को पार करता है तो मजबूती देखने को मिल सकती है, आप इसमें होल्ड करके भी चल सकते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से शेयर में खरीदारी देखने को मिली और आज एक अच्छी मजबूती है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास अभी भी ये शेयर कारोबार कर रहा है। पावर शेयर में देखिए आज एक इंटरेस्टिंग प्ले हुआ है मुदित, काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, जिस तरह से कुछ पावर कंपनियों के नंबर भी ठीक ठाक देखने को मिले, NTPC, पावर ग्रिड, रिलायंस पावर, नेवली इग्नाइट, टाटा पावर में, खासतौर पर टाटा पावर देखिए आज पूरे पावर सेक्टर में तेजी को लीड कर रहा है। शेयर में करीब 3.5-4% की मजबूती देखने को मिल रही है। हाई बीटा नेचर का शेयर बिल्कुल नहीं है, फिर भी देखिए आज एक इतनी बड़ी रैली देखने को मिली, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। पावर में किसी पे दाव लगाएंगे क्या आप? बिल्कुल मनीष, टाटा पावर पे दाव लगाना चाहूँगा। 72 रुपये का लेवल स्टॉक के लिए काफ़ी अहम था, रेजिस्टेंस था, क्योंकि वो पिछले 7-8 महीने का रेजिस्टेंस था और आज स्टॉक ने उस रेजिस्टेंस का ब्रेक किया है। कह सकते हैं पिछले 7-8 महीने के बाद स्टॉक इस रेंज पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, तो टेक्निकल चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट है और उस ब्रेकआउट में मुझे लगता है स्टॉक में 78 रुपीज तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। 78 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए हो सकता है, अगर कहीं भी वो लेवल भी हम क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन कर पाते हैं तो 84 रुपये के लेवल्स भी जल्द स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। कुछ एक और स्टॉक्स देखिए, खासतौर पे आज हमने देखा है कि चाय कॉफी से जुड़े शेयर में तेजी देखने को मिली है। चाय से जुड़े देखिए आप हरिसन मलयालम, जैसी टी जैसे स्टॉक्स में सीसील प्रोडक्ट नंबर्स के बाद एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और पूरा मूड जो है पूरे सेक्टर का फिर से सुधरता हुआ दिखा। हमेशा हम देखते हैं कि एक साथ पूरे सेक्टर में खरीदारी आती है, कुछ दिनों तक लगातार चलती है, लगातार इस तरह का बज है कि फिर से चाय की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोई पसंद है कि आपको चाय शेयरों में? मनीष, मैकलॉयड रसल काफ़ी पसंद है मुझे, मैं पहले भी इस स्टॉक पे दाव लगाता आया हूँ और इसमें टारगेट्स भी अचीव हुए हैं। आज फिर मैं मैकलॉयड रसल को खरीदने की सलाह दूंगा। स्टॉक को अगर देखूँ तो 200 रुपये का स्टॉक ने रेजिस्टेंस टेस्ट किया था और वहाँ से स्टॉक में एक ग्रेजुअल फॉल देखने को मिल रहा था। चार्ट्स पर स्टॉक लोअर हाइज लोअर लोज में ट्रेड हो रहा था। आज के सेशन में उस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का रेजिस्टेंस लाइन को आज ब्रेक किया है स्टॉक में और साथ के साथ स्टॉक में अगर देखें तो एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है, तो मुझे लगता है स्टॉक में यहां से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और उस तेजी में स्टॉक 205 रुपये के पास एक बार अटक सकता है। कहीं भी वो लेवल सस्टेंड होता है तो 220 रुपये तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, तो किसके पास भी पोजीशन है होल्ड रख सकते हैं, नया निवेश करना चाहते हैं नया भी निवेश कर सकते हैं। तो मैकलॉयड रसल में नई खरीदारी करके चल सकता है, अगर आपके पास है तो होल्ड करके चलिए, तेजी देखने को मिल सकती है। 205 रुपये तक जाएगा, वहां पर अटकता है तो फिर वापस अब जिस में आपको इस पर राय देंगे क्या करना चाहिए आपको, लेकिन अभी थोड़ी तेजी और देखने को मिल सकती है। अभी तक हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की, इनफैक्ट टॉप 50 शेयर्स में 50 शेयरों की चर्चा करते हैं, लेकिन सुबह फास्ट मनी में 20 शेयर आपको इंट्राडे कमाई के बताते हैं, जिसमें कि इंट्राडे हमें उम्मीद होती है कि बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। खबरों के आधार पर और कई सारे ट्रेडर के आधार पर शेयर का चुनाव किया जाता है। कैपिटल फर्स्ट रत ने खरीदारी करने सलाह दी, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, टारगेट के ऊपर ट्रेड कर रहा शेयर, शानदार मजबूती। ABG CPR में खरीदारी करने पूरे शिपिंग स्टॉक्स पर हम लोगों ने दाव लगाया था, मैंने रत ने ABG CPR में एक अच्छी मजबूती, ऐसे फ्यूचर रिटेल, टाटा स्पंज, फ्यूचर रिटेल देखिए इंटरेस्टिंग प्ले था, आज के ट्रेड में खरीदारी करने सलाह दी गई थी, अच्छी मजबूती। टाटा स्पंज पूरे टाटा ग्रुप के शेयरों पे आज के ट्रेड में खरीदारी करने सलाह दी गई थी, अच्छी मजबूती देखने को, टाटा कॉफी में देखिए अच्छी मजबूती। इसके अलावा GNFC, ताज GBK, फ्यूचर रिटेल जैसे स्टॉक जो है आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। तो रोज सुबह 7:30 बजे आप जो है फास्ट मनी देखना मत भूलिए, क्योंकि हम न केवल 20 स्टॉक्स बताते हैं बल्कि आपको सेक्टर्स भी बताते हैं, कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जो आज बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, इसके अलावा बाजार के मूड को भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो रोज सुबह 7:30 बजे देखना ना भूलिए फास्ट मनी, जिसमें कि इंट्राडे कमाई के 20 जो है धमाकेदार शेयर बताने की कोशिश होती है हमारी तरफ से। लेकिन अभी यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिए शेयर में एक सडन स्पाइक देखने को मिला, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा, करीब 5.5% की मजबूती के साथ ये कारोबार करता हुआ। लगातार हमने देखा था शेयर में पिछले दिनों जिस तरह से विजय माल्या को लेकर दिक्कतें बढ़ी, उसके बाद जो गिरावट देखने को मिली है, अब खबर ये आ रही है कि डियाजियो, इस तरह सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि डियाजियो जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स में हिस्सा बढ़ाने पर विचार कर सकता, और इस खबर का ही असर कहीं ना कहीं ये सूत्रों के हवाले से खबर छिपा रही है कि डियाजियो जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स में हिस्सा बढ़ा सकते हैं। उस खबर का असर देखिए शेयर में सीधे 6-7% की मजबूती देखने को मिली, दिन के ऊपरी स्तर पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ जो है शेयर में उछाल देखने को मिल रहा है। मुदित, क्या राय होगी यूनाइटेड स्पिरिट्स पे? मनीष, देखिए ये कहूँगा, जब इस तरह की खबरें कंपनी के लिए बनी होती हैं तो स्टॉक ज़्यादा हायर लेवल्स होल्ड नहीं हो पाता और स्टॉक्स में हायर लेवल से अच्छी करेक्शन देखने को मिलती है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी बेहद वीक है, जो भी अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिलती है उसको एग्जिट के लिए यूज़ कीजिए, हो सकता है स्टॉक नियर टर्म में 2000 के आसपास भी ट्रेड हो सकता है।
तो अगर आप तेजी आते हो, तेजी पर निकलने की सलाह दे रहे मुझे, तो उनको लगता है कि तेजी पर बहुत भरोसा नहीं करनी चाहिए, वापस गिर के 2000 तक आ सकता है। लेकिन एक सेक्टर देखिए, पिछले दो दिनों में काफी ज्यादा बज हो रहा है और बाजार के कई बड़े जानकार इस पर दाव लगा रहे हैं, NBFC सेक्टर है, जिस पर लगातार जानकार कह रहे हैं कि हो सकता है ये बैंकिंग शेयरों के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर सकता है।